सो गाइस सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि आज का जो ये वीडियो है ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। राहुल कुमार गुप्ता जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे ये कमेंट किया था मेरे एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि सर ये जो कूपी कोच होता है ये किस तरह से मिलेगा जिसमें दो लोग ट्रैवल कर पाएंगे ट्रेन में, जो एक कैबिन रहता है दो लोगों का ये किस तरह से मिल पाएगा, इसके लिए एक वीडियो बनाइए, इसका टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है, सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे पूछा था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बातें बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं राहुल कुमार जो है उनसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि राहुल सर मेरा जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेट हो गया, 4-5 दिन पहले आपने मुझसे कमेंट किया था और 4-5 दिन बाद मैं आपके लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहला बात जो है वो ये है कि कूपे कोच, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो जब एसी का बुक करते हैं तो उनको कूपे कोच नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कूपे कोच कोई अलग जैसे कि कैटेगरी नहीं है, एसी थ्री टीयर फर्स्ट क्लास, इसके बाद कूपे कोच इस तरह से नहीं है, फर्स्ट क्लास के अंदर ही आता है कूपे कोच। जैसे कि बहुत सारे लोग बुक करते हैं और यहाँ खोजते हैं कूपे कोच का स्लीपर टू टीयर थ्री टीयर फर्स्ट क्लास के बगल में कूपे कोच, अगर आपको आप ढूंढते हो तो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। कूपे कोच के लिए आपको फर्स्ट क्लास एसी को ही सिलेक्ट करना होगा, ये भी फर्स्ट क्लास एसी ही है। तो एसी जब सिलेक्ट करोगे तो एसी में आपको पता होगा 4 लोगों का एक केबिन होता है और दूसरा जो होता है वो होता है कपल वाला, यानी कि 2 लोगों का एक केबिन जिसको हम कूपे कह सकते हैं। तो इसको बुक करने के लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको पूरी सारी बातें बता दूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं जब आप बुक करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस जगह जो है यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास एसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब बुक करने जाएंगे यहाँ पे आपको जब बर्थ प्रेफरेंस आता है तो यहाँ पे आप कूपे सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे नीचे जो है कूपे, इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ भी जरूरी नहीं कि आपको जो है कि वो 2 लोगों वाला केबिन मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते होंगे जब आप एसी का टिकट बुक करते हैं तो टिकट में आपका सीट नंबर नहीं होता है, सीट नंबर आपको चार्ट प्रिपेयर होने पर ही मिलता है और इसको मैन्युअली किया जाता है, एक एक चीज को देख के पैसेंजर का जो डिटेल्स है, जेंडर है, एज है, ये सारी चीजें देख के आपको दिया जाता है, अलॉटमेंट किया जाता है आपको किस सीट किस केबिन में आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ जिससे कि चांसेस बढ़ जाते हैं आपको कूपे कोच मिलने के। सबसे पहला बात यह है कि अगर आप 2 लोग ट्रैवल करते हो और आपने कूपे कोच का सिलेक्ट किया है आपको यहाँ पे जो केबिन है 2 लोगों वाला वो मिल सकता है। अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो और आपने सिलेक्ट किया कूपे को तो आपको यहाँ पे कूपे नहीं मिलेगा बल्कि 4 लोगों वाला जो केबिन है वो मिल जाएगा। अगर आप 3 लोग ट्रैवल करते हो और आपने सिलेक्ट कर दिया है क्या 4 लोगों वाला केबिन या फिर 2 लोगों वाला, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या 4 लोगों वाला केबिन मिलेगा, लेकिन जिसमें और एक पर्सन कोई और एक पैसेंजर उसमें मिल जाएगा आपके साथ में। और अगर आप एक हो सिंगल हो और आपने कुछ भी सिलेक्ट किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 2 लोगों वाला में तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 4 लोगों वाला में आपको जरूर केबिन में मिल सकता है। और रही बात यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं कब, अगर वीआईपी ट्रैवल कर रहे हैं और उनको चाहिए कूपे कोच तो यहाँ पे आपको जो केबिन है वो आपको देना पड़ेगा उनको, मतलब ये ऑटोमेटिकली यहाँ जो जब सिलेक्ट किया जाएगा बर्थ या फिर जो केबिन तो वहां पे अगर वीआईपी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी यहाँ पे केबिन की 2 लोगों वाला तो ये उनको चला जाएगा और आपको नहीं मिलेगा। तो आप जब भी बुक करें कूपे केबिन तो यहाँ पे आपको आप बस उम्मीद कर लो कि उस दिन कोई वीआईपी ट्रैवल नहीं कर रहा हो जिस वजह से आपका जो केबिन है वो किसी और को नहीं जाए, आपका केबिन आपको मिल सके। तो इसके लिए आपको अलग से भी कोई डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, आप बस जनरली जो आईडी कार्ड्स लेके ट्रैवल करते हो ट्रेन में आप उनमें से आधार कार्ड पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस ये सारी चीजें लेकर के आप जा सकते हो, इसमें से कुछ भी एक आप ले सकते हो, और भी बहुत कुछ है, पासपोर्ट वगैरह है, कुछ भी आप लेके जा सकते हो। तो हाँ 2 लोग जा रहे हो 4 लोग जा रहे हो तो सबके आईडी कार्ड जो ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है वो होना चाहिए आपके पास। तो मतलब आपको अगर कूपे कोच चाहिए तो आप एसी का सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, एसी के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन में जाके कूपे को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद इंतजार कीजिए चार्ट प्रिपेयर होने का, हो सकता है आपको मिल जाए और हो भी सकता है आपको नहीं मिले। तो बस आप उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइज आपको मैंने जो सारी बातें बताई है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इससे जुड़ी, या फिर हो सकता है आपके मन में कुछ ज्यादा सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका जवाब आपको देने के लिए। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को एक्टिवेट कीजिए जिससे हमारा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। और अगर आप अभी इस वक्त मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे पेज जिलिप को लाइक कीजिए।